जहां अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित बौद्धिक कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि जब भी भारत पर संकट आता है आपस में इतने भी लड़ते रहे हैं लेकिन संकट में हम सब एक हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा स्वार्थ हमेशा भारत के स्वार्थ से छोटा होगा। उन्होंने कहा कि हम घर पर किसी भी देवी देवता की पूजा करते हों, किसी भी धर्म के हों, हमें अपने धर्म के साथ ही दूसरे के धर्म का ही उतना ही आदर करना चाहिए। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह सहित कई दिग्गज नेता शामिल हुए। विविधता में एकता वाली संस्कृति को जीना चाहता है, उसके लिए प्रयास करता है, वो पूजा किसी की करे या न करे, भाषा कोई बोले, खान पान रीति रिवाज कोई हो, वेशभूषा कोई हो, विचारधारा कोई हो, लेकिन वो सब हिंदू है, क्योंकि एकमात्र हिंदुत्व नाम का विचार दुनिया में ऐसा है जो विविधताओं को एक करना संभव है मानता है। उसने इन सब विविधताओं को हजारों वर्षों से भारत की इस भूमि में एक साथ चलाया है, यह सत्य है। उस सत्य को संघ बोलता है, डंके की चोट पर बोलता है, उसके आधार पर हमें एक हो सकते हैं। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का प्रवास पूरे देश में होता है और हम सबका सौभाग्य है कि उन्होंने 3 दिन का समय छत्तीसगढ़ के लिए दिया और जनजाति गौरव दिवस बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन पर उन्होंने जसपुर में जनजाति समाज के बहुत बड़े समूह को कल संबोधित किया। समाज को जोड़ने वाले दिलीप सिंह जुदेव